नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। जापान के राजा को भगवत गीता दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और जिस वक्त ये गीता दी गई उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे पास देने को इससे ज्यादा कुछ नहीं है और दुनिया के पास इससे ज्यादा पाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने एक आशंका भी खड़ी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे गीता देने से सेक्युलर लोग भारत में एक बहस छेड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो शंका जो है सही साबित होती हुई नजर आ रही है। विरोधियों की तरफ से कई सवाल इस मसले पर उठाए गए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या भगवद गीता को नहीं दिया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और सेक्युलर जिसे लेकर कई बार बहस देश में छिड़ती रही है, क्या उस मसले पर भगवद गीता देने से ठेस पहुंचती है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मोदी ने जापान के सम्राट को भगवद गीता क्यों भेंट की? मोदी ने छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों पर ताना क्यों मारा? मोदी ने क्यों कहा गीता देने पर देश में खड़ा हो जाएगा तूफान? भगवद गीता देने पर देश में सियासत क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय यात्रा पर जापान से लौट आए हैं। मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान जापान के सम्राट अकिहितो को अपनी तरफ से पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता की एक प्रति तोहफे के तौर पर दी। गीता तोहफे में देने को लेकर उन्होंने अपने धर्मनिरपेक्ष मित्रों पर चुटकी भी ली। दो देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवद गीता। हमारे सारे सेक्युलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। खैर, उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगी। यहां के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की, क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं। जैसा मोदी ने जापान में कहा था, हिंदुस्तान में कुछ वैसा ही हुआ। भगवद गीता देने के बाद पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इसी पर विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज जताना भी शुरू कर दिया है। एसपी नेता नरेश अग्रवाल का कहना है कि मोदी को ताजमहल भी भेंट करना चाहिए था। मोमेंटो ताजमहल भी दे देते साथ में, जो पूरे विश्व में जाना जाता है, तो हम लोग को और खुशी होती। बाकी तो उनकी इच्छा, यहाँ पे तो हर चीज को, धर्म को भी राजनीति से देश में जोड़ दिया गया है। ये दुर्भाग्य देश। तो वहीं जापान के सम्राट को भगवद गीता तोहफे में देने पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी शायद भारत का जो मूलभूत रूप है वो समझते नहीं है। प्रधानमंत्री जी शायद जो भारत का मूलभूत स्वरूप है उसे समझते नहीं है। उनको गीता को धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सवाल बनाने की क्या जरूरत थी? किसी ने कहा था कि जो आप गीता भेंट कर रहे हैं आप कोई सांप्रदायिक काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी आत्मचिंतन करें, मनन करें और ये समझने की कोशिश करें कि भारत का जो मूलभूत कल्पना है वो क्या है, भारत का जो ख्याल है वो क्या है, तो फिर वो गीता को सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में बांटने की कोशिश नहीं करेंगे। गीता को धर्मनिरपेक्षता का सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता हमारी महान संस्कृति की विरासत का प्रतीक है। गीता में कहीं भी हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है। ऐसे में महान प्राचीन विरासत को छद्म धर्मनिरपेक्षता के आईने में देखना कितना सही है। सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो क्या सेक्युलर जिसे लेकर लगातार बहस होती रही है हमारे देश में, उसे ठेस पहुंची है, सेक्युलरिज्म को ठेस पहुंची है, और नरेंद्र मोदी क्या वाकई गीता नहीं दे सकते हैं? बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है। मेरे साथ दो खास मेहमान फिलहाल मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर अशोक गोयल साहब,
जो लीडर हैं बीजेपी के, वो मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ शहनाज अफजल जी हैं जो मुस्लिम राष्ट्रीय की संघ संयोजिका हैं, वो मेरे साथ हैं। गोयल साहब, आपसे शुरुआत करता हूं मैं इस चर्चा की। मोदी की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो गीता को चुना जाता है, क्यों? रीजन सबसे पहले यही, सबसे पहले सवाल यही आता है जहन में कि आखिर अगर मोदी गीता को चुनते हैं या जापान के सम्राट को गीता देते हैं तो उसका कारण क्या है? देखिए, मेरी सोच तो यह है कि मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां भावनात्मक ढंग से जुड़ने का प्रयास करते हैं, और जिस देश में वो गए हैं वो देश बौद्ध धर्म का मानने वाला है, और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का हमारे देश से इतना जबरदस्त पुराना रिश्ता और नया रिश्ता सब कुछ कायम है हम लोगों के बीच में, तो श्रीमद् भागवत गीता को देकर, और गीता एक संदेश देने वाली पुस्तक है, हमारा जहां वो धर्म ग्रंथ है या एक ऐसी पुस्तक है जो देश को संदेश देती है कि कहीं अगर अन्याय होता है तो अपनों का भी विरोध करो, कर्म में विश्वास करो, फल में ना करो, तो एक ऐसी पुस्तक जिसका उन पर आध्यात्मिक असर पड़े और महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें, तो निश्चित रूप से मोदी जी के द्वारा सोच समझकर उठाया ये कदम है, और मैं तो इसका स्वागत करता हूं कि मोदी जी ने विश्व में, विश्व के पटल पर एक बार फिर हमारी पुरातन संस्कृति का ध्यान खींचा है। शहनाज जी, अगर नरेंद्र मोदी गीता देते हैं तो क्या किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इस बात को नहीं जानते मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ। देखिए, मुगल बादशाह दारा शिको ने जब गीता का अध्ययन किया तो आपने गीता का महाभारत, इसका गीता का जो है आपने उसको फारसी और अरबी में इसका अनुवाद करवाया ताकि ये जो पुस्तक है ये इंटरनेशनल हो जाए और इसका जो है ज्ञान सभी को, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका वो जाए, मैसेज जाए, ताकि ये इंटरनेशनल इसको करवाया था। अगर ऐसा होता कि किसी विशेष वर्ग को इसका आघात होता या किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो दारा शिको ने ऐसा क्यों किया था? और ये आज की बात नहीं है, ये तो सदियों पुरानी बात है। बिल्कुल। तो नहीं, फिर सवाल जहन में ये आता है कि अगर ये तमाम चीजें इस तरीके से सामने आ रही हैं तो विरोधियों की तरफ से अगर ये कहा जाता है या कुछ जो विरोध में सुर उठे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेश अग्रवाल का कहना है कि देना था तो ताजमहल दे देते, आपको देना था तो ताजमहल, उधर मनीष तिवारी की तरफ से कहा गया है कि अगर आप दे रहे थे तो आप सांप्रदायिकता का मुद्दा इसे क्यों बना रहे थे, तो क्या ये सांप्रदायिकता का मुद्दा बना है? आप ये देखिए, इतने दुख की बात है कि ताजमहल देने की बात कर रहे हैं वो, आज हमें जरूरत है यूनिवर्सिटीज बनाने की, आज हमें जरूरत है हर इंसान जो कर्तव्य से भटक गया है, जो विचार जिसके खराब हो गए हैं उन विचारों को अपने मजबूत करना, अपने कर्तव्य करना हमें आज जरूरत है। हम ताजमहल देकर एक और, मतलब एक गलत काम करें, ताजमहल बनाना ठीक है, मुगल बादशाह ने बनाया था वो ताजमहल वो अलग है, लेकिन आज हमें जरूरत है, नहीं वो ठीक है, उन्होंने बनाया था वो उनके अपने वो थे, लेकिन मैं ये समझती हूँ आज जरूरत है कि हम गीता दें और लोगों को उनके कर्तव्य का बोध हो कि हमें क्या करना है। गोयल साहब, ये आखिर के नहीं, ठीक है आप अपना जो आपको कहना है वो कहिएगा, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर जरूर जोड़ना चाहता हूँ, आखिर ये क्यों ना माना जाए कि आप लगातार आरएसएस की तरफ से भी हिंदुत्व और हिंदू की बात आती है, नरेंद्र मोदी गीता को अगर आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से आती है, उसकी क्या जरूरत होती है? अगर उन्हें किसी को गिफ्ट करना है तो वो उनका निजी मामला है, अगर वो इस पर ये कहते हैं कि इस पर सांप्रदायिकता को लेकर बहस छिड़ जाएगी जिस तरीके से मनीष तिवारी ने कहा, तो उसकी क्या जरूरत थी? देखिए, उन्होंने गीता भेंट की और बहुत सोच समझकर एक ऐसा ग्रंथ जो विश्व को संदेश देता है उन्होंने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में एक बात, ये बात जरूर आती है कि जैसे कि हमारे भारत के विपक्ष का रवैया है, विपक्ष इस समय हताश है, निराशा का शिकार है, पूरी तरीके से ध्वस्त है, और वो अनर्गल प्रलाप के अलावा कुछ ऐसा सकारात्मक विरोध नहीं कर रहा है जिसकी उससे आशा की जाए, तो निश्चित रूप से उनके मन में आशंका रही होगी। बहुत स्पष्ट दिल के आदमी हैं, उन्होंने कहा होगा भी मैं ये गीता मेरे पे इससे बढ़कर देने के लिए मेरे पास कोई है नहीं, क्योंकि जो गिफ्ट होता है वो एक सम्मान का प्रतीक होता है, प्यार का प्रतीक होता है,
और उन्होंने उसको दिया और उसके बाद उनके दिल के उद्गार निकले कि मेरे पास इससे बेहतर कोई गिफ्ट हो नहीं सकता और उसके बावजूद भी मैंने दिया है, जबकि मुझे डर लगता है कि मेरे देश में लोग कुछ बवाल करेंगे। और जब वो देकर वहां से आ गए तो अब क्या जरूरत है कि टीका टिप्पणी हो, क्यों जो है कोई व्यक्ति ये कहे कि ताजमहल क्यों नहीं दिया, क्यों हर समय एक ही वर्ग की वोटों के लिए कुछ लोग दिमाग से राजनीतिक कीड़ा उनके दिमाग से निकले नहीं, क्यों इस तरह की बात करते हैं। ताजमहल भी इस देश की विभूति है, ताजमहल भी किसी अवसर पर दिया जा सकता है, लेकिन इस बात को इससे जोड़ के कहना मुझे ये बात ठीक है। चलिए शहनाज जी, क्या गीता को अगर प्रेजेंट किया जाता है किसी उपहार के रूप में तो क्या ये माना जाए, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री या खासकर भारत का प्रधानमंत्री अगर गीता को प्रेजेंट कर रहा है तो क्या वो देश के तमाम धर्मों के तमाम लोगों के ज्वाइंटली प्रतिनिधित्व करती है, क्या गीता को इतना सम्मान दिया जा सकता है? जी बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल मेरे ख्याल से, मेरे विचार से तो बिल्कुल दिया जा सकता है, क्योंकि एक धार्मिक पुस्तक है जो हमें संदेश देती है, निर्देश देती है वो सभी के लिए। देखिए हमने जो हमारी जो संस्कृति है वासुदेव कुटुंबकम की, जो हिंदुस्तान मानता है, पूरे विश्व को एक कुटुंब मानता है, तो उस कुटुंब को जो संदेश देते हैं तो क्या गीता वो संदेश देती है, सभी को सही रास्ते पे चलने का संदेश देती है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है, मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल गलत नहीं। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर जो गिफ्ट दिया गया जापान के सम्राट को, उससे कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता का जिस तरीके से विरोधियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं से स्पष्ट नहीं होता है। खासकर यहां पर जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका कहना है कि किसी वर्ग विशेष को जो गीता है वो लीड नहीं करती है, लेकिन क्या कुछ गीता के अंदर उपदेश है, आइए आपको वो इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौंतेय उठो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। लाभ हानि ये दोनों ही सापेक्ष शब्द हैं धनंजय। मैं जानता हूं कि तुम्हें पृथ्वी के भोग या स्वर्ग के सुख की कामना नहीं है, इसलिए हे कौन्तेय सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठो पार्थ, कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ, परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है, मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है, सफलता और असफलता दोनों ही में समान रहना कर्म का कौशल है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तो ये तमाम श्लोक हैं और उपदेश हैं जो गीता के अंदर रखे गए हैं और जिन्हें तमाम दुनिया के सामने गीता के रूप में पेश किया गया है। डॉक्टर हिमेंद्र यादव राजपूत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महाभारत के विश्लेषक हैं और कहीं ना कहीं पीएचडी भी उन्होंने इसमें की हुई है। उनसे जानेंगे आखिर गीता को अगर नरेंद्र मोदी चुनते हैं तो क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। हिमेंद्र साहब आपके पास आना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी गीता को एक गिफ्ट के तौर पर चुन रहे हैं, किसी देश के सम्राट को दे रहे हैं, तो क्या जहन में चल रहा है नरेंद्र मोदी के?
नरेंद्र मोदी जी ने जो जापान के अंदर गीता जो की है द्योतक गीता है अपने गीता में पुष्प समाहित है, भारत का धर्म भारत की प्रति में श्री कृष्ण जी इसमें, इसलिए किसी और ग्रंथ को प्रदान करते हुए गीता को ही उन्होंने प्रदान किया है। अर्जुन को उपदेश दिया है कि तुमने जो युद्ध करना है और स्वयं मोदी जी चलिए कुछ तकनीकी खामी यहां पर हेमेंद्र जी तक पहुंचने में हमें आ रही है, दोबारा से संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे। लेकिन गोयल साहब, क्या गीता को अगर नरेंद्र मोदी चुनते हैं और अगर वो सम्राट को गिफ्ट देते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से 2011 में जिस वक्त आपके विपक्ष में आप लोग विपक्ष में थे, आप लोगों की तरफ से सवाल ये उठाया गया था कि आखिर क्यों गीता को एक राष्ट्रीय पुस्तक घोषित नहीं किया जा रहा है, क्या उस ओर बढ़ने का ये कदम है? देखिए, कुछ भी कल्पनाएं की जा सकती है लेकिन सीधे सीधे श्रीमद् भागवत गीता भारत की प्राचीन जो एक ऐसी पुस्तक है जिससे हमें कर्म का संदेश मिलता है, एक ऐसी पुस्तक है जो सारे विश्व को संदेश दे सकती है कि जहां कहीं अगर अपना भाई भी सामने है और लगता है कि अन्याय है और वो अन्याय के पथ पर है तो अपना हक पाने के लिए ये चिंता मत करो कि हार होगी क्या जीत होगी, फल की चिंता किए बिना संघर्ष करो। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो मोदी जी की सोच है इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मोदी जी ने जो किया है, जो वहां ये भगवत गीता देकर जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और एक ऐसा संदेश दिया है, तो मैं तो निश्चित रूप से ये कहूंगा कि मोदी जी जो स्वयं में दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं और देश को कर्म के आधार पर आगे ले जाना चाहते हैं, देश के अंदर उन्होंने पिछले 100 दिन के अंदर जिस तरीके से देश को एक विकास की पटरी पर लाकर और एक पूरे भारत को विश्व के अंदर एक सर्वोपरि भारत बनाने की दिशा में वो चल पड़े हैं, तो उनके कदम रुकेंगे नहीं और हम उनके कदमों का स्वागत करते हैं। चलिए हेमेंद्र जी के पास चलते हैं। हेमेंद्र जी, क्या अगर नरेंद्र मोदी गीता देते हैं, क्या गीता में कहीं ये लिखा है कि वो किसी वर्ग विशेष के लिए है और किसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नेता को या प्रधानमंत्री को गीता भेंट नहीं करनी चाहिए? नहीं, गीता में ऐसा कहीं गीता अंत निर्देश है। हाँ, धर्म की व्याख्या क्यों की गई है, लेकिन धर्म को व्यक्ति के साथ नहीं, लेकिन धर्म साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पंथ माने पूजा पद्धति उपासना पद्धति अलग विषय है और धर्म अलग विषय है। धर्म संभव को पूरे मानव कल्याण का उपदेश दिया गया, इसलिए गीता की महत्ता को सकते ही यही उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को और जापान में ये गीता को उपस्थित किया है, उनको प्रदान किया है और जिसने गीता को पढ़ लिया समझिए उसने उसको सभी पंथों का उपासना पत्रिका सभी प्रकार सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और मुख्य रूप से मानव धर्म है और मानव धर्म की भी व्याख्या है अर्जुन के जिसमें कर्म योग को उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें तो इन चारों लोगों का वर्णन प्रकृति के सामने रखता है। अब प्रकृति के सामने फल देखे हुए ताकि जो समय आप कर्म करने जा रहे हो युद्ध करना है तुमने, यह युद्ध धर्म के लिए कर रहे हो, धर्म की विजय कराने के लिए। यदि राष्ट्र गलत लोगों के हाथ में चला गया तो अधर्म हो जाएगा, राष्ट्र के जो की अधर्म होगा, इसलिए राष्ट्र धर्म की संस्थापना के लिए उन्होंने कहा।
चलिए, तकनीकी खामी यहां पर बार बार हेमेंद्र जी से बातचीत करने में आ रही है, लेकिन उनका कहना यही है कि जो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है गीता को, तो कहीं ना कहीं वो एक धर्मनिरपेक्षता ही है, क्योंकि कहीं भी गीता के अंदर ये नहीं लिखा है कि ये किसी वर्ग विशेष के लिए है और इसमें कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये सिर्फ उन तमाम चीजों को दर्शाती है जो किसी मानव जाति के लिए जरूरी है। शहनाज जी, क्या ये पूरे देश की आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी या जो तमाम जो लोग हैं देश के अंदर, क्या उन लोगों की आइडियोलॉजी को या आइडेंटिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे किया है इस गीता को देकर? शहनाज जी देखिए, ये जो संदेश हमें गीता देती है जी, उससे हमारे देश की क्या, हम तो कहते हैं कि दुनिया के विचारों को जो है आइडियोलॉजी को आपने पेश किया है। और गीता देने में एक धार्मिक, एक ऐसी पुस्तक जो निर्देश करती है हमें एक जिंदगी जीने के लिए, तो वो देकर कोई मतलब वो अच्छा काम किया है जी, बिल्कुल कोई इसमें ठीक है। गोयल साहब, अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैंने यहां पर अगर गीता दी है तो विवाद जो है देश में खड़ा हो जाएगा, इस चीज की उन्हें कहने की क्या जरूरत थी, क्या चल रहा था उनके जहन में? देखिए, कहीं ना कहीं जो विपक्ष का रवैया है वो जहन में आदमी के में आता है कि मैं ये काम कर तो रहा हूं और अच्छा काम है, बेहतर काम है। एक ऐसा ग्रंथ जो एक ऐसे समय पर, एक जिन्हें हम भगवान मानते हैं श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, और उसमें भी पूरे मानव समाज को संदेश कि मानव के लिए आगे के लिए जीने की कला का संदेश, और उसको लिपिबद्ध पुस्तक, एक पवित्र ग्रंथ, उसको जब सौंप रहे थे तो उन्हें दिमाग में ये जरूर आया होगा कि कहीं ना कहीं कि कुछ जो लोग जिनका हर समय चिल्ल पौ करना आदत रहती है, कुछ लोग जो केवल इंतजार में रहते हैं कि कैसे कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए, वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी ऐसा आरोप लगा दें, तो वो जरूर उनके दिमाग में रहा होगा। और बहुत साफ गोई से उन्होंने ये बात कही बिल्कुल कि भाई उनकी दुकान भी चलनी चाहिए, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। चलिए ठीक है, हेमेंद्र जी, क्या गीता के अंदर सिर्फ एक वर्ग विशेष के पूजा अर्चना करने के तरीकों को दर्शाया गया है, या फिर पूरी मानव जाति के लिए किस तरीके से एक आइडियोलॉजी सेट की जानी चाहिए और किस तरीके से कोई काम होना चाहिए, वो तमाम चीजें दी गई हैं? नहीं, किसी एक वर्ग विशेष की उसमें कहीं भी कोई भी बात नहीं कही गई उन्होंने। उन्होंने तो संपूर्ण मानव जाति नहीं, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। कहीं भी एक श्लोक में एक शब्द भी किसी के लिए नहीं आया कि ये विशेष पूजा पद्धति अपनाइए। उन्होंने तो कहा है कि जिस प्रकार जितनी भी नदियां सारा जल लेकर समुद्र में प्रवाहित कर देती हैं, उसे किसी भी मार्ग से भगवान को भजोगे वो उनको प्राप्त होगा। तो किसी भी पंथ के विशेष को लेकर उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने तो यहां तक भी कहा है कि जो पाप कर्म करते हैं वो पाप कर्म करने वाले भी अगर प्रायश्चित करके भगवत को प्राप्त करने का उपाय ढूंढते हैं या भगवत प्राप्ति को कर्मयोग में शामिल होते हैं और भक्ति योग में कर्मयोग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वे लोग भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इसके उदाहरण हैं। वैसे भी जापान हमारे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारा सांस्कृतिक जापान के साथ संबंध है बिल्कुल। तो महात्मा बुद्ध के जीवन का भी उदाहरण आता है कि महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को एक भिक्षु बना लिया था और उसका सारा जीवन ही बदल दिया था, माने एक सत्संग के द्वारा। महात्मा बुद्ध के संपर्क में अंगुलीमाल डाकू आया और वो फिर इतना बड़ा प्रचारक बौद्ध भिक्षु बना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन समझा जा सकता है। जिस तरीके से हेमेंद्र जी ने यहां पर कहा, काफी इंपॉर्टेंट बात जिसे मैं कोट करना चाहूंगा, कि सांस्कृतिक तरीकों से भी भारत और जापान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहीं ना कहीं गीता को चुना गया है। लेकिन आज राजनीतिक गलियारों में भगवद गीता भेंट करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। गीता तो निश्चित रूप से एक जीवन दर्शन है। गीता जो हमारा कर्मयोग, हमारा राजयोग, हम जो गीता के माध्यम से करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से अपने आप एक बड़ी चीज है। और गीता जो भी पढ़ेगा उसको शायद समाज जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में, अपने पारिवारिक जीवन में, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे अध्यात्म का प्रतीक है, और हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति और अध्यात्म, ये दूसरे देशों तक पहुंचाना, मुझे लगता है कि इससे अच्छी और कोई बात प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में मैं कहना नहीं चाहता। और जो उन्होंने किया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है।
गीता एक सार्वभौमिक और सर्वदर्शन का ग्रंथ है, वो किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। गीता पूरे शब्द में कहीं आपको धर्म की ड्यूटी के तौर पे यूज हुआ है। और टर्की के प्रधानमंत्री भारत आए थे 2002 में, मुझे आज भी याद है, अटल जी उसमें प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि जब जब मैं संकट में होता हूँ, दुविधा में होता हूँ, तो रात को गीता का अध्ययन कर लेता हूँ तो मुझे उसका समाधान मिलता है। तो गीता तो वो ग्रंथ है जिसमें इस्लाम को मानने वाला टर्की भी उससे प्रेरणा ले सकता हो। जापान तो बौद्ध धर्म को मानने वाला है और हमारा ग्रंथ है ये। मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अभी पीछे आपको ध्यान हो, एक जज ने कहा था कि गीता तो राष्ट्रीय ग्रंथ के तौर पे घोषित हो जाए, सब गीता को पढ़ें, तो गीता में सारे जीवन की द्वंद्व के समाधान है। तो तमाम जो विरोधी हैं उनकी तरफ से जरूर यहां पर विरोध किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका कहना है कि गीता को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं तो अपनी संस्कृतियों को आगे बढ़ाने की एक कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वहीं अब वक्त है सुदर्शन न्यूज के आज के सवाल का। भगवत गीता देने पर देश में सियासत क्यों? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं और कल रात 9 बजे के शो में उन तमाम जवाबों को हम दिखाएंगे, आपकी प्रतिक्रियाओं को दिखाएंगे। वहीं कल सुदर्शन न्यूज में जो सवाल आपसे पूछा था वो था, क्या मोदी सरकार के 100 दिन कामयाब रहे हैं? तो उसमें जो प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची हैं उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है हाँ, 85% लोगों का मानना है कि हाँ नरेंद्र मोदी अपने 100 दिन के एजेंडे में कामयाब रहे हैं, वहीं 15% का मानना है नहीं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।